ये मकड़ी हेलीकॉप्टर कैसे बन गई? उड़ी बाबा, यहाँ से तो सारी जमीन गायब हो गई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लो दोस्तों, हम एक बार फिर से आ गए हैं ग्रैनी के घर पर अपनी चमत्कारी ट्रिक्स की वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही अनोखी अनोखी मजेदार ट्रिक्स। अरे ग्रैनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ छछुंदर, पहले तू बता कि तू मेरे घर में कहाँ मुंह उठाकर घुसा चला आया? ओ ग्रैनी, देखो मैं तो तुमको कविता सुनाने आया था। अकेली ना बाजार जाया करो, सेक्सी सिलेंड्रीना को भी साथ ले जाया करो, क्योंकि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखकर बच्चे डर जाते हैं। क्या बकवास कर रहा है मेरे बारे में? एक बार रुक, फिर तुझे बताती हूँ। अगर एक बार और तूने कविता सुनाई तो यही डंडा तेरे मुंह पे देकर मारूंगी। ओ ग्रैनी, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जाओ रसोई में जाकर बर्तन साफ कर लो। बर्तन तो बाद में साफ करूंगी, मगर लगता है ग्रैनी तो एंग्री मोड में है, इसलिए हमको बचकर भागना पड़ेगा। अरे ग्रैनी रुक जाओ। गाइस, ये ग्रैनी तो नहीं मान रही, आने दो ग्रैनी को। ग्रैनी रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मेरे पास भी प्लैंक है। ओ छछुंदर, तू मेरे घर में घुसकर मुझे मारेगा। ओहो दोस्तों, ग्रैनी से बचकर छुप जाओ। हाँ, अब मैं सेफ हूँ। ओहो गाइस, ग्रैनी तो बाहर ही पहरा दे रही है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ? हाँ आइडिया, क्यों ना गाइस मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। अब आप कहोगे जीडी पागल हो गया है, तो गाइस मैं पागल नहीं हुआ, देखो हमारे पास प्लैंक भी है, तो जल्दी से अपने प्लैंक को यहीं पर लगा देते हैं। और लो गाइस, प्लैंक तो लग गया, अब ग्रैनी तुम बाहर ही खड़ी रहो, मैं तो चला। अब चलो गाइस धीरे धीरे। ओ तेरी की ये क्या, यहाँ तो बैकयार्ड में जाने का शॉर्टकट रास्ता है, तो चलो ग्रैनी को वहीं पर खड़ा रहने दो और हम चलते हैं बाहर। अरे बाबा रे बाबा, ये देखो गाइस, हम लोग तो आ गए नीचे, अब हम धीरे धीरे चलते हैं बाहर। ओ गाइस देखो, हम तो वहां थे लेकिन अब वहां कुछ है ही नहीं, मगर हम तो यहीं से आए हैं रे बाबा। ये क्या दोस्तों, ग्रैनी का तो पूरा घर ही सीक्रेट से भरा हुआ है, तो चलो गाइस अब जल्दी से ग्रैनी के पुंगी बजाएं। अरे ग्रैनी, क्या तुम्हें पता है मैं वहां से आया, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। ओ तेरी सासू की, मुझे पता था कि तू यहीं आएगा, इसलिए मैं तेरी पिटाई करने के लिए पहले से ही यहां आ गई। प्यारी ग्रैनी, ऐसी बातें मत करो। तेरी सासू की, मुझसे पिछली बार तो ग्रैनी ने मेरे सिर पे डंडा मार के मेरे सिर का तंबूरा बना दिया था, मगर इस बार मैं ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे ग्रैनी के होश उड़ जाएंगे और हो सकता है आपके होश भी उड़ जाएं। तो चलो जल्दी से ग्रैनी को बुलाते हैं। ओए छछुंदर, तू उठ गया, रुक अभी दोबारा डंडा मार के तेरे सर का तंबू बनाती हूं। ओ दोस्तों, ग्रैनी तो यहीं आ रही है, इसलिए जल्दी से उनको अपने जाल में फंसा लेती है। जल्दी से बैठ के नीचे छुपो, बाहर आओ, छुपो, बाहर आओ, छुपो, बाहर आओ, और थोड़ी देर ऐसे ही करते रहो। देखो गाइस, ग्रैनी तो स्टक हो गई, अब ग्रैनी तो बन गई है स्टैचू, और ये हमको डंडा भी नहीं मार सकती। रुको अभी आपको चेक करवाता हूँ, लो ग्रैनी इसे कैच करो। देखो दोस्तों, ग्रैनी तो कैच भी नहीं कर पाई हो, तो अब ग्रैनी को यहीं पर छोड़ो और हम प्लैंक लेकर आते हैं, क्योंकि हमको ट्रिक के लिए प्लैंक की बहुत जरूरत है रे पापा। तो चलो गाइस अब जल्दी से जाकर हम लोग अपने प्लैंक को भी लगा देते हैं। और ग्रैनी, ये तुम्हें क्या हुआ, कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मैं बचकर भागना चाहती हूँ, मगर तेरी ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तू इस प्लैंक से क्या करने वाला है? ओहो ग्रैनी, बस देखती जाओ, अभी मैं ऐसा जलवा दिखाऊंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चलो गाइस जल्दी से प्लैंक को लगा देते हैं। लो गाइस, प्लैंक तो लग गया, अब जल्दी से इसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं। हे, मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा? ओ नल्ले, भूल गया क्या, इसके लिए तुझे वो स्पेशल ट्रिक करनी पड़ती है। अरे हाँ ग्रैनी, सही याद दिलाया, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा दिमाग है। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ पर आकर बैठो और फिर इन दो बटनों को एक साथ दबाओ। लो गाइस, हमारी ट्रिक का लगभग हिस्सा तो हो गया, बस अब हमको यहाँ से नीचे गिरना है। लो दोस्तों, हमारी ट्रिक तो अब हो गई है पूरी तरह तैयार, तो चलो अब जाकर देखते हैं कि हम प्लैंक से कहाँ पर जा सकते हैं। देखो ग्रैनी, अब मैंने इस ट्रिक के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो चलो गेम डेफिनेशन।
ग्रैनी। तो चलो गाइस, प्लैंक तो लग गया, अब हम जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। रे बाबा, ओ तेरी की, गाइस ये क्या हुआ, यहाँ पर तो जमीन गायब हो गई, और ये ग्रैनी को क्या हुआ? अरे बेटे, तू ऊपर कैसे चढ़ गया, और ये तू कैसी अजीब सी ट्रिक कर रहा है? ग्रैनी, मैंने कहा था ना कि ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा दमदार है, और इस ट्रिक के बाद तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी, और लग खिसक भी गई। देखो गाइस, यहाँ पर तो सब कुछ गायब हो गया है, और अब हम कितने मजे से ग्रैनी के पूरे घर के नजारे भी ले सकते हैं। देखो यहाँ तो कोई भी फ्लोर नहीं दिख रहा। अरे बेटे जल्दी से नीचे आ जा, मुझे वापस से ठीक होना है, जल्दी जल्दी नीचे आ जा प्लीज, और मैं तुझे स्पेशल कॉकरोच का सूप भी बना के दूंगी। ओहो ग्रैनी, अरे देखो दोस्तों, है ना ये कितनी मजेदार ट्रिक। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो ग्रैनी, कैसी लगी तुमको ये ट्रिक? मजा आ गया। अब इस ट्रिक को दोबारा मत करियो, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मेरा तो सर ही चकरा गया। क्या कह रही हो ग्रैनी, दोबारा से करना है इस ट्रिक को? गाइस जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में ग्रैनी को अपनी फेवरेट वाली डिश बता दो, तो ग्रैनी आपको भी वो डिश जल्दी से बना कर दे देगी, क्योंकि हमारी ग्रैनी किसी मास्टर शेफ से कम थोड़ी ना है। तो चलो गाइस, अब ग्रैनी से ज्यादा मस्ती नहीं करते और चलते हैं जल्दी से अगली ट्रिक की तरफ। ग्रैनी मैं तो चला, बाय बाय। तो गाइस, हमारी आज की जो अगली ट्रिक होने वाली है, वो होने वाली है ग्रैनी की चिलंथी पर। और चिलंथी तो आप समझ ही गए होंगे, बोले तो ग्रैनी की मकड़ी, और आज हम उस मकड़ी की क्लास लगा देंगे, क्योंकि वो हमको एस्केप करने से रोकने के लिए कोई भी कीमती सामान को चुरा कर बैठ जाती है। ओ मकड़ी, कहाँ छुपी बैठी हो, जल्दी से बाहर आओ। तो दोस्तों, मकड़ी के आते ही हम बिल्कुल अपनी ट्रिक को आजमाएंगे, और ये देखो मकड़ी तो हो गई स्टक। अब ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इसके ज्यादा नजदीक नहीं जाने का, क्योंकि ये जितनी भोली दिखती है उतनी ही ज्यादा चालू है। मगर गाइस रुको, अभी मैं आपको इसकी असली वाट लगा कर दिखाता हूँ। आज तो हम इसका हेलीकॉप्टर बना देंगे, क्योंकि ये हमको बहुत घुमाती है, इसलिए आज मैं इसको घुमा घुमा कर इसका हेलीकॉप्टर ही बना दूंगा। आजा मकड़ी आजा, और जल्दी से हमारे जाल में फंस जा। ओए छुप कर कहाँ भाग रही है, देखो दोस्तों अब ये हमारे जाल में फंस गई है। अरे मकड़ी, अब तू मेरे जाल में फंस गई है, और अब तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। जाने तो मैं तुमको दूंगा, मगर सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम आज की वीडियो की एंडिंग करोगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से आज की वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो, जो भी कर सकती हो, क्योंकि तभी तो मैं बच पाऊंगी और आपका कीमती सामान अपने पास सुरक्षित रख पाऊंगी। और गेम डेफिनेशन, मुझे पता चला है कि तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो। अरे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी पहुंच चुका हूँ। और गाइस, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो और मेरे बारे में बहुत ही अनोखी अनोखी बातें भी जानना चाहते हो, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वहाँ गेम डेफिनेशन के पहुंचने से पहले ही लोगों ने फेक अकाउंट का बहुत बड़ा तूफान मचा रखा है। तो उस तूफान से बचने के लिए और सही से जीडी को फॉलो करने के लिए गेम डॉट डेफिनेशन को जाकर फॉलो करना। तो ओके दोस्तों, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।